युवाओं को एक बड़ा तोहफा 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से युवाओं को रोजगार के लिए दी जा रही है। यह 10 लाख रुपए तक की सहायता आपको कैसे मिलेगी, पूरी प्रोसेस क्या है और आपको कहां पे आवेदन करना है, किस प्रकार से आपको इसका लाभ उठाना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, युवक हैं, युवती हैं, सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए। तो दोस्तों, उसके लिए आपको ये लेटर देख लेना है। देखो, ये है मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना अंतर्गत उद्योग स्थापित करने के लिए। तो ये जो है आपको साइड भी हम बताएंगे किस साइड पे आपको जाना। यहाँ पर लिखी हुई है मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक की आपको सहायता दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगार नव युवक युवतियों को स्वयं का उद्योग अगर स्थापित करना चाहते हैं तो इस योजना की जो साइड है वो यहाँ पर देखो दी गई है, www.upkvib.gov.in ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस साइट पे जाके। और यहाँ पर लिखा है राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 है तो जनपद के बेरोजगार नवयुवक युवतियों को योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्योग स्थापित कराकर रोजगार का अवसर सृजित किया जाना है। तो 10 लाख रुपए तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रावधान है और इसमें यह भी बताया गया है से बैंक से प्राप्त ऋण पर उद्योग स्थापित करने पर सामान्य पुरुष वर्ग के को बैंक के द्वारा स्वीकृत वितरण ऋण पर 4% ब्याज उद्यमी द्वारा वहन किया जाएगा, यानी कि 4% ब्याज ही आप पर लगेगा। और बाकी आपको यहाँ पर देखिए आरक्षित वर्ग जो बताए गए हैं, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक महिला है, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, ये सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए समस्त ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में विभाग से टर्म लोन पूंजीगत ऋण पर अनुमन्य होगी। तो पुरुष वर्ग को अपना स्वयं का अंशदान 10% लगाना होगा और बाकी जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक या महिला दिव्यांग या सैनिक होंगे उनको स्वयं का 5% अंशदान लगाना होगा। यानी कि आपको मतलब के 5 या 10% जो अंशदान बताया गया है उसमें से लगाना है, बाकी का आपको सरकार की तरफ से ये दिया जाएगा ऋण। तो इस योजना अंतर्गत इच्छुक लाभार्थियों की आयु 18 से या 50 के बीच होनी चाहिए और यहाँ पर जो ये बताया गया है कि खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ से किसी भी योजना में पूर्व ऋण अनुदान प्राप्त न किया हो, आवेदन पत्र योजना की वेबसाइट पर आपको उपलब्ध मिल जाएगा। तो उद्यमी का यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो देखिए, लाभार्थी जो है कम से कम कक्षा 8 पढ़ा होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कक्षा 8 उत्तीर्ण है तो यहाँ पर आवेदन कर पाएगा, कक्षा 8 पढ़ा होना जरूरी है। और उद्यमी का पासपोर्ट साइज का फोटो, शैक्षिक योग्यता जो 8वीं पढ़ी उसका मार्कशीट, और हाई एजुकेशन अगर आपने की है यानी कि 9वां 10वां कुछ भी पढ़ा है, ज़्यादा अगर पढ़ाई करी है तो उसका भी आपको डॉक्यूमेंट लगा देना है। और इसके बाद ग्राम प्रधान के द्वारा जो है आपको सत्यापित लगाना है, अनापत्ति एवं जनसंख्या प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र सामान्य जाति को छोड़कर, निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करते हुए आवेदन प्रस्तुत करना है। विस्तृत जानकारी हेतु जिला उद्योग कार्यालय 8 कैंट रोड कैसर बाग लखनऊ में मोबाइल नंबर यहां पर दिया है, इस नंबर पर किसी भी कार्य दिवस में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो थोड़ा जूम करके हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ये देख लीजिएगा, ये पूरा दिया हुआ है यहाँ पर जानकारी है जिला ग्राम उद्योग कार्यालय 8 कैंट रोड कैसरबाग लखनऊ में मोबाइल नंबर यहां पर दिया है तो ये आप जानकारी कर सकते हैं। ठीक है, जिला ग्राम उद्योग अधिकारी लखनऊ वीके श्रीवास्तव। तो 2023-24 की योजना है और ये जो है 5 वर्षों तक चलेगी यह भी बताया गया है। तो इसके लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है www.upkvib.gov.in। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली आ जाना है इस तरीके से गूगल में, और गूगल में आप अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग योजना लिखकर भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग योजना। खाली आप इतना लिख दो, ये देखो इतना, मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना, इतना भी अगर आप लिख दोगे, सर्च करा लोगे तो भी आपको ऊपर ही ये मिल जाएगी साइड। ठीक है, ये देखो यहां पर आ गई और वही साइड यहां पर दी है upkvib.gov.in। ठीक है, इसी के ऊपर आपने क्लिक कर देना है
जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखो साइट खुलकर आ जाएगी और देखो यहाँ पर लिखा है मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ सारा कुछ वही सब लिखा है जो कि लेटर में लिखा है सरकारी। उसके बाद देखो यहाँ पर सब कुछ लिखा है और पात्र उद्यमी यहाँ से क्लियर आप पढ़ लो कौन कौन पात्र है इसमें। कक्षा 8 पास यहाँ वहाँ पर लेटर में बताया गया है और भी यहाँ कुछ लिखा है, आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आपने यहाँ पर सब कुछ पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद आपने यहाँ पर आवेदन कर देना है। तो आवेदन करने के लिए आपको इसी पर आवेदन करना है, बाकी आप जन सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन करा सकते हो। यहाँ पर आप 3 लाइन पर क्लिक करोगे, बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, संपर्क करें, ITI, ई नागरिक योजनाएं, इस तरीके से आप जान सकते हो, ऑनलाइन सेवाएं यहां से देख सकते हो, ठीक है। ये सब कुछ आप पढ़ सकते हो, मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना, ये देखो यहां पर आ गया है, इस तरीके से आप सब कुछ यहां पर पढ़ सकते हो, देख सकते हो। अब देखो यहां पर क्लिक कर दिया है तो इस तरीके से आवेदक ये आ गया है और ये देखो एजेंसी है, बैंक है, जो भी, मतलब आप पहले आवेदन करोगे, फॉर एप्लीकेंट यहाँ पर दिया है, इस तरीके से हम देखते हैं। तो देखो ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें, देखो लिखा है ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें, इस तरीके से आपने क्लिक करना है और आवेदन कर देना है। फिर ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें, यहाँ भी क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति आप स्टेटस यहां से चेक कर सकते हैं कि कैसा हमारा आवेदन आगे बढ़ा, जांच हुआ कि नहीं हुआ, वो सब यहां से चेक कर सकते हैं। बाकी यहीं पे आपको मिलता रहेगा सारा जो है, जो भी स्टेटस है फॉर्म का, यहां से चेक करते रहेंगे और आवेदक यहां से चेक कर सकते हैं। बैंक से लोन वगैरह मिलेगा, जो भी है सब कुछ यहाँ से आपको स्टेप बाई स्टेटस देखने को मिलता रहेगा। तो ये सारा कुछ है जो कि आपको यहाँ से चेक कर लेना है, आवेदन अब जनसेवा केंद्र से करवा लेना है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपना खुद का एक रोजगार स्थापित करें लेकिन पैसों की समस्या है, तो सरकार की तरफ से आपके पास एक अच्छा मौका है। उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की तरफ से आपको 10 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है, आप इसमें लाभ उठा करके अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण जानकारी सरकारी योजना की थी जो मैंने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल वाले बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।